अल्लाह होनी हो अजनबी बन जाए हम दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिस जिसने पहले से कर रखा है थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है हमारे पहाड़ का डे टू वाला व्लॉग। डे वन वाला व्लॉग आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है। मेरी सांस बहुत भूल रही है क्योंकि हम पहाड़ के रास्ते में चल रहे हैं। आगे मम्मा और पापा जा रहे हैं, हम अभी यहाँ थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा सांस फूल गई है, पसीना हालत खराब हो गई, बहुत पसीना हो गया, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। भले ही हमारे गांव तक का पूरा रास्ता पूरा गाड़ी वाला रास्ता है, लेकिन हमने सोचा कि जब पहाड़ आए हैं और गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या ही फायदा, मतलब गाड़ी में तो हम शहरों में भी घूम ही लेते हैं, पहाड़ों के रास्ते में पैदल चलने में ही मजा है। छोटा कैलाश की यात्रा का रास्ता सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे, फाइनली यहाँ तक पाना था हमें। अब यहाँ से ढलान है सारा, इतना ही था जो चढ़ाई थी, तो पहुँच गए मम्मा पापा लोग, वो आ रहे। ओहो मदना कपुच्छे काकी अल्लाह उड़ियो, अरे दुल्हनी रे डगड़े, ओ होय उला पी थड़ पे, आओ आओ सस्ता लियो थोड़ा, और भालसा मली बैठनु, ठीक छु बैठो बैठो। ये देखो महापार कहां से आए पापा जी, हम कापला से बगड़ से होते, मतलब रास्ता कितनी दूर है यहां से, बगड़ से होते हुए पहुंच गए हम लोग अपने गांव। तो ये रहा वो घर जहां हम जा रहे हैं। ओहो दादी नमस्कार, पहुँच गए हम लोग घर। यहाँ पे दिन के खाने पीने की तैयारी चल रही है, अभी सब्जी वब्जी काट रहे हैं सब लोग। हम अभी रेडी, मतलब मैं तो वहाँ से रेडी हो गई आई थी, मम्मा रेडी हो चुकी है, और हम अभी जा रहे हैं दूसरी दादी के घर उनसे मिलने के लिए। वो खड़ी है दादी, महानु मैंने पता नहीं आप लोगों को अभी तक बताया या नहीं बताया कि हम पहाड़, मतलब जो मेन जो कारण था आज के दिन आने का वो ये था कि यहाँ जिन दादी से आप लोग मिले जिनके घर में टेंट लगा हुआ था, दादी का नाती हुआ है, मतलब मेरा सबसे छोटा भाई, तो उसका नामकरण है, तो हम उसमें आए हैं आज के दिन खास। यहाँ हमारे लोटे लगते थे ये तो जंगल नीचे आ गया, पूरा जंगल हो गया, यहाँ सब बारिश मरी, ये तो पेड़ ये मेरे लगा, यहाँ से यहाँ हमारी ये सब ककड़ होने भाई सीमार भैया नाउन भाई से था हमारी, ये नाउन भाई ये सब नाउन का क्या मतलब हुआ, मतलब जगह नाम भर नाउन, मतलब टहल वाली जगह ही वो खेत ठहरा हमारा, वो नीचे यहाँ नीचे नाग ऐसे फंदे चटका है नहीं जरा पीछे, और एक बात यहाँ पर नीचे नाग बैठा ठहरा चटकाया नहीं बल डसा नहीं हो। ये हमारा शिवालिक है शिव जी मंदिर, यहाँ हम नहाना धोना पानी की प्यास लगी तो लोटा लेके भी पानी भरने आते थे, पानी सूख गया घर घर पानी हो गया, नहीं तो ये पानी ये पहाड़ से ही पानी गिरता था अपने आप, ये पानी जैसे है ना ये मालधार सूख गया बिल्कुल। ये अपने आप बुलाते हैं प्रकट हुए करके, घर धारा आंवला पेड़, ये आज भी ज्यों का त्यों है, 50 साल से ऊपर से मैं इसको देखते आया हूँ, लेकिन अभी भी ज्यों का त्यों बना, फूल आया हुआ है और आंवले लगने की तैयारी है। ये हुआ तालधार, ये तालधार से बड़ा कर लें, ये तालधार इसमें पानी आया वो वाला सूखा, और ये ठंडा पानी आता था इसमें भी, उसका पानी शीतल ठंडा बिल्कुल, इससे छलांग लगाते थे पत्थर से, ब्लैंक डूब के यहाँ से साल भर पानी रहता था, फिर भैंसा भी नहाने वाली हुई। ये पहुंच गए दादी के घर, नामकरण स्टार्ट हो ही गया होगा शायद। आए
उमेश उत्कर्ष नाम ने बालकश्य दीर्घायु भूया ये फूल सिर में रख दो दीर्घायु भूया ये फूल रख दो सिर में दीर्घायु है फूल सिर में बच्चे का मुंह क्यों छुपा दिया हमने नामकरण हो गया नहीं नहीं यहाँ सब पापा सर्व करने में लगे हुए हैं ताई जी चाची ताई नी चाची लोग पूरी वूरी बेल रहे हैं यहाँ खाना बन रहा है वो रहा हमारा घर अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और बाकी सब लोगों से भी मिलेंगे जो जो जिन जिन के घर रास्ते में पढ़ते रहेंगे सबसे मिलते रहेंगे तो चलो चलते हैं हम भी मिलते हैं और आप लोगों को भी मिलाते हैं सब लोगों से हम खाना बना के थे अंदर गाय रहती है काफी बड़ा है वो छात भाई अच्छी हमार भैर भाई छो मोर भाई वो जमाने में आधुनिक मोरी बनाई थी हमने ये था ये आधुनिक नया फैशन था तो ये वाला है हमारा और ये दूसरे दादा दादी लोग हम यहाँ दिखाते हैं क्योंकि पापा बोल रहे हैं बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही ये वाला भी था मतलब हमने तो देखा ही था बचपन में देखा था पर तो ये है जब हम लोग आए थे हम यहाँ रुके थे आपने वहाँ रुके थे यहीं रुके थे अरे यह होना राजू आम बैठो नहीं भाई इतनी देर में बस दिन डेली खा के लाल चुने को पकड़ दी राजू ओ चाचा अरे अरे खोई द्वार बंद करी ये सुन ये हमारे घर में ककड़ी तैयार अभी हम जा रहे हैं नौला देखने के लिए और बहुत लेट हो चुका है 6 बज चुके हैं इसलिए एक डंडा मम्मा के हाथ में एक डंडा पीछे पापा के हाथ में है और मैं बीच में चल रही हूँ अगर कोई बाघ आ गया क्योंकि ये पूरा रास्ता ऐसा है झाड़ियों वाला है और यहाँ बाघ आता है क्या हमारे सामने थोड़ी मतलब वैसे आता है तो हम अभी दादाजी के घर गए थे तो नौने में डंडियां दे रखी लट्ठियां
थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो जाए अगर। नौला नजर आ गया हमको, पास में ही है तो हम फटाफट जाकर के अंधेरे से पहले वापस आ सकते हैं। ये आ गया नौला। ये है नौला। ये नौला, पानी का नौला भैया। कहाँ दिख रहा है पानी? अपने दिख गया, सब दिख रहा है। ये नौले का पानी, ऐसे तो निचड़ी में भी देख। ये देख लो नौला, मात खोलेगा नौला है ये। अब हम चल रहे हैं वापस। अब हम चल रहे हैं देवी थान मंदिर। वहाँ जाते थे फुटबॉल क्रिकेट खेलने, वो वहाँ मैदान में गिरखली गाड़ी। इतने बड़े मैदान है वहाँ, किसी जमाने में वहाँ खेती होती थी हमारी। हरजू थान मंदिर, ये सब ले लो। हरजू की धुनी है इसलिए त्रिशूल ये है, बाहर भी धुनी है। प्रेम पुराण आदिम का पुराण आदिम अपन बोली भाषा अपन हो या तुम लोग ना, सब बुजुर्ग लोग ना आवाज करी भाई। और बेहिला हमारा मुलाकात है भागवत माँ रोची बेही ना। अच्छा, वो देवा भागवत माँ रोची कभी दबाद डर लाने में डाल मारना स्कूल जानी भाई। अब बहु करना मई जानिया भाई, बहु विचार अगर टाइम पर गया करना भाई, बहु लगन हलवाणी हूँ पर था तुमने घर पर नहीं। अब फिर फिर उनका तो आज हमारे चाचा चाची की वेडिंग एनिवर्सरी पता होते हैं दोनों साइड के। करो ये था हमारा आज का नामकरण एनिवर्सरी और पूरे गांव का भ्रमण वाला व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए वी लव यू ऑल, बाय बाय।